दोस्तों, दिल्ली के बीचों बीच स्थित ISBT कश्मीरी गेट पर रोज हजारों की तादाद में इंटरस्टेट और सिटी बसें आती जाती हैं। इसके चलते बस अड्डे के आसपास की सड़कों पर हमेशा ट्रैफिक कंजेशन बना रहता है और वहां से गुजर रहे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। इसे देखते हुए यहां इंटरस्टेट बसों की भीड़भाड़ कम करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए टीकरी बॉर्डर के पास एक नया इंटरस्टेट बस अड्डा बनाने की योजना है, ताकि हरियाणा से सिंघू और टीकरी बॉर्डर के रास्ते आ रही बसों को दिल्ली के अंदर लंबी दूरी तय करके कश्मीरी गेट तक ना आना पड़े और वे बॉर्डर के आसपास ही रुक जाएं। हम आपको यहां बता दें कि परिवहन विभाग के सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते LG के ट्रैफिक व्यवस्था की समीक्षा के लिए मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कश्मीरी गेट के आसपास ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए बस अड्डे से कुछ बसों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना को अमल में लाने का निर्देश दिया गया था। इस निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने इस योजना पर काम तेज कर दिया है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि रोहतक रोड पर टीकरी बॉर्डर के मेट्रो स्टेशन के पास PWD की करीब 7 एकड़ जमीन खाली पड़ी है, उसी पर यह बस अड्डा बनाने की योजना है। इस बारे में सरकार का रुख जानने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक प्रपोजल भेजा था, जिस पर सरकार ने पहले ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है। वह जगह बस अड्डा बनाने के लिए बहुत सही है, क्योंकि न केवल टीकरी बॉर्डर से आने वाली बल्कि सिंघू बॉर्डर के रास्ते हरियाणा से आने वाली बसों को भी आसानी से वहां डाइवर्ट किया जा सकता है। हालांकि गहलोत ने यह भी साफ किया कि कश्मीरी गेट से पहले की तरह इंटरस्टेट बसों का परिचालन जारी रहेगा, लेकिन कुछ रूटों की बसों को टीकरी बॉर्डर वाले बस अड्डे पर शिफ्ट करने से कश्मीरी गेट पर दबाव कम होगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों को जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया है। दोस्तों, गहलोत जी ने बताया कि सराय कालेखां और आनंद विहार पर RRTS के निर्माण को देखते हुए DMRC के साथ मिलकर इन दोनों बस अड्डों में सुविधाएं बढ़ाने और कंजेशन कम करने की योजनाओं पर काम चल रहा है। वहीं एरो सिटी मेट्रो स्टेशन के पास भी GMR के सहयोग से एक बस अड्डा बनाने की योजना है। द्वारका सेक्टर 25 में यशोभूमि के पास भी इंटरस्टेट बस अड्डे के निर्माण के लिए जगह चिन्हित की जा चुकी है। इन योजनाओं से न केवल दिल्ली में कंजेशन कम होगा, बल्कि प्रदूषण को और कम करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि ज्यादातर इंटरस्टेट बसें बॉर्डर एरिया के आसपास ही रुक जाएंगी और उन्हें दूर तक चलकर शहर के बीचों बीच नहीं आना पड़ेगा। दोस्तों, तीनों प्रमुख बस अड्डों कश्मीरी गेट, आनंद विहार और सराय कालेखां पर प्रतिदिन 3,500 से ज्यादा इंटरस्टेट बसों का परिचालन होता है। UP, MP, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक के लिए इन बस अड्डों से बसें चलती हैं। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।